सो हाई गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। गाइज ऑल आर वेल एंड फाइन। सो आज मैंने व्लॉग बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट कराया, उसके लिए सॉरी, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माफ करो, ठीक है। एंड अभी मुझे भूख लग रही है यार, तो सबसे पहले ना अपना खाना लाता हूँ और खाना खाता हूँ। तो अब मैं खा रहा हूँ अपना स्पेशल खाना, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। ये रहा पिंकी छोले भटूरे, अभी अभी बाबा जस्ट लाया। ये देखो क्या छोले है क्या भटूरे है, हाँ 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 हाँ, मजा आ गया। फिनिश, खा पी के तो मैं हो चुका हूँ ऑल सेट। अब चलो, कल है मेरा हिंदी का एग्जाम, अब करते हैं पढ़ाई। ये देखो भाई, ये रही मेरी फेयर नोटबुक, और इस चैप्टर का नाम देखो, पापा खो गए। ओ भाई साहब, ये क्या है, ठीक है। और कमेंट्स में बताना जिन जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन मैंने ये चैप्टर बिल्कुल भी रीड नहीं करा, और रीड तो मैंने 1% भी नहीं करा। रीड मैंने करा है, लेकिन ऐसे ही नहीं करा समझ समझ के, मैंने बस ऐसे ही रीड करा था ये स्कूल में, मैम ने कहा था रीडिंग करने को, ये सब मैंने लगभग याद कर लिया है। 90% मेरा ये चैप्टर हो चुका है, पढ़ पढ़ के थक गया, आधा कोर्स मेरा हो चुका है। अब मैं कुछ बनाने वाला हूँ, क्योंकि शाम हो रही है। अब मैं बनाऊंगा भेल पूरी, जब भी मुझे भूख लगती है मैं तो भेल पूरी बना लेता हूँ, क्योंकि भेल पूरी के पूरे इंग्रेडिएंट्स लगे रहते हैं घर पर। तो चलो जल्दी से भेल पूरी बनाते हैं। तो हमारी सारी सामग्री रेडी है भेल पूरी के लिए, मतलब इंग्रेडिएंट्स, ये रहा मिर्च, ये रहा नमक, ये रहा धनिया, ठीक है, ये रही मिक्स वाली नमकीन, और ये रहे दाल सेब, ये रहे हमारी मीठी चटनी, ये रहा हमारा नींबू जो कि मैं डालूंगा एकदम आधा, और ये रही हमारी प्याज, और ये रहे हमारे टमाटर। और मैं बनाने वाला हूँ सभी घर वासियों के लिए, इस वजह से इतनी सारी चीजें। तो अब मैं डालने वाला हूँ सबसे पहले, क्या बोलते हैं इसे कैमरामैन, क्या बोलते हैं इसे, लाल सेब। लाल सेब है ये? नहीं, ये तो नमकीन डालूंगा अपने हिसाब से। एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये नमकीन कुछ इतनी, कैमरामैन दिख रही है, थोड़ी सी और डाल देता हूँ, क्योंकि मैं भेलपूरी कटोरा भर के खाता हूँ तो उसे इग्नोर करना, लेकिन तब भी देखो मोटापा, मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं हो रहा हूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भाग दौड़ता हूँ। तो अब मैं डालूंगा, क्या है कैमरा मैन, ये दाल सेब, अब मैं डाल रहा हूँ दाल सेब, इतने तो बहुत हूँ, खा लूंगा सारे, वेस्ट नहीं जाने दूंगा, सब खाएंगे, ठीक है। थोड़े से और ये डालेंगे, तो अब हम पहले इसे मिक्स कर लेंगे। देखो कुछ ऐसा निकला है, और अब मैं डालने वाला हूँ इसमें प्याज, तो हम इतनी प्याज डाल देंगे। ओम ब्रीम ब्रीम निविया की कोल्ड क्रीम स्वाहा, ओम ब्रीम ब्रीम निविया की कोल्ड क्रीम स्वाहा, ओम ब्रीम ब्रीम निविया की कोल्ड क्रीम स्वाहा। प्याज डाल ली, अब हमने हम डालने जा रहे हैं इसमें टमाटर, ठीक है। ये लो, ओम ब्रीम ब्रीम निविया की कोल्ड क्रीम स्वाहा, और मैं ना हाथ धो के आया हूँ, मैं कभी भी बिना हाथ धोए हुए हाथों से नहीं बनाता, नहीं तो गंदे हो जाते हैं। ओम ब्रीम ब्रीम निविया की कोल्ड क्रीम स्वाहा, ओम ब्रीम ब्रीम निविया की कोल्ड क्रीम स्वाहा, ये मंत्र पता नहीं मैंने कितनी बार बोल दिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इसे मिक्स। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब मैं डालने वाला हूँ इसमें सबसे पहले मिर्च, और मिर्च तो मुझे एक नंबर बढ़िया लगती है, इतनी डाल देता हूँ बस, बहुत है ना, इतनी बॉडी में मिलेगा। और सॉरी सॉरी, तो फिर एक काम करते हैं, मिर्च डालते हैं हम इतनी जो सब खा सके, इतनी बहुत है। दो सेकंड, मैंने यूट्यूब पे एक तरीका देखा है, ऐसे मिर्च का लगे टेस्ट आता है, बस इसे आंखों पे नहीं लगाना, नहीं लगा लेना, लगा लो, नहीं 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 पागल थोड़ी हूँ मैं, तो हम इसे यहाँ रख देंगे। और नमक, नमक मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं डालूंगा, एक बार मैंने अपनी भेल पूरी में भर के नमक डाल दिया और अगले दिन बुखार हो गया। नमक खाने से बुखार हो जाता है क्या, कमेंट में बताना, लेकिन मुझे हुआ। और डालू क्या थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा और डाल लेते हैं, लेकिन मुझे बुखार नहीं करवाना है, वो ज्यादा बोलने से हुआ होगा था। उप्स, यस। तो अब हम पुराना पैतरा आजमाएंगे अपना, धनिया वाला, धनिया बहुत बढ़िया लगता है, तो धनिया इतना डालेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले थोड़े हाथ झाड़ लेते हैं, और इसे मुंह पे लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पूरी रसोई ड्राइंग रूम में लेके आ गया, ये नहीं बताना था कैमरामैन, ये नहीं बताना था, यह बातें बताई नहीं जाती, ये बातें बताई नहीं जाती। ये देखो, ये रही हमारी बहन की, अब हम करेंगे इसे मिक्स। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारा नींबू प्लस सॉल्ट,
तो सॉर्ट तो मुझे बहुत बढ़िया लगती है। पता है हमारे घर में जब भी समोसे आते हैं और उसकी जो सॉर्ट होती है ना ये वाली, ये मैं हमेशा अपनी खुद ही अलग रख लेता हूँ ताकि अपनी भेलपूरी में डाल सकूँ। तो सॉर्ट हम इतनी डाल देते हैं, कुछ एक आधा चम्मच सॉर्ट, ऐसी तो किचन वाले चैनल पे बताते हैं। देखा है मैंने यूट्यूब पे, एक बार हमने मैक पफ बनाया था तो मैंने देखा था। चलो इतना बहुत है, अगर ज्यादा डाल देता हूँ ना तो जो मेरे कस्टमर्स होते हैं वो मुझे कहते हैं सॉर्ट थोड़ी कम डालते हो। ज्यादा महंगी नहीं देता मैं भेलपूरी, बस 80,000 की एक प्लेट, ज्यादा थोड़ी है। बस तो एक भी कस्टमर नहीं टिकता हो। यस यू आर राइट, लेकिन कभी कभी सेल लगा देता हूँ 15 की। अब तो सही है ना, 15,000 या 15 रुपए, 1500 भी ज्यादा। और मेरा थोड़ा सा हाथ कट गया था प्याज काटते, मजाक कर रहा हूँ, कैसा लगा मेरा मजाक। तो अब हम डालेंगे नींबू, और नींबू शायद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा डाल देता हूँ। मेरा नींबू सारा नहीं डालूंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा डाल, बस इतना बहुत है, तो और नींबू नहीं डालेंगे हम, फिर थोड़ी सी कड़वी लगती है। अब हम करेंगे मिक्स, थोड़ी सी सूंघ लेता हूँ, मजा आया मुझे ना इसमें, मीठा कम लग रहा है, मेरी नाक पहचान लेती है, तो थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। ये मीठा नहीं होता, ये सॉर्ट होती है चटपटी वाली, बचपन से ही सूंघने की आदत है। यह बातें बताई नहीं जाती। अब आया है भेलपुरी वाला टेस्ट, तो मतलब स्मेल। तो अब मैं आपको सीधे लोगों के रिव्यूज दिखाता हूँ, और ये देखो ये भी हमारी भेलपुरी रेडी। तो मेरे पहले कस्टमर आ चुके हैं जिन्हें मैंने 1500 रुपए में बुक करा है ये 1500 रुपए वाली प्लेट, तो अब खा के बताएंगे बाबा कैसी बनी है। और मैंने इन्हें पीछे पीछे कह रखा है, भले ही बेकार हो लेकिन अच्छी कहनी है। सही सही बताओ कैसी है, बढ़िया है? देखो हमारी भेलपूरी को कैसी है, बढ़िया है? नींबू ज्यादा है या सॉल्ट? अच्छा है। चलो तो 1500 रुपए वाली भेलपूरी काम आ गई। तो मेरी भी भेलपूरी आ चुकी है, येरी देखो, इसमें खाता हूँ मैं पूरे पतीले में। यार मुझे बहुत अच्छी लगती है भेलपूरी, से तो मेरा बचपन का प्यार है। अब एक बार खा के मैं अपना रिव्यू देता हूँ। अच्छी है, रियली अच्छी है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो, किसी चीज की कमी नहीं है, एकदम चटपटी। ठीक है तो पानी भी पी लेता हूँ, थोड़ी सी प्यास लगती है। देखो मैं अपने साथ ना पानी भी रखता हूँ, जब भी कुछ खाता हूँ ना तो पानी जरूर रखता हूँ, पता नहीं मुझे लगती है प्यास, कुछ भी खाते ही प्यास लग जाती है, मतलब मिर्ची प्यास जो भी है। सो भेलपूरी एकदम बनी है, बढ़िया। चलो भाई भेलपूरी तो हमारी हो चुकी है फिनिश। सो भेलपूरी खा के आ गया फुल मजा, एंड मेरी हिंदी की तैयारी भी हो चुकी है। सो अब मैं जाने वाला हूँ सोने के लिए, ठीक है। एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू दोस्तों।